एक कंजूस ब्राह्मण था। एक दिन उसे भिक्षा में जो सत्तू मिला उसमें से थोड़ा खाकर बाकी का उसने मटके में रख दिया। फिर उसने उस मटके को कोटी से टांग दिया और पास में ही खाद डालकर सो गया। सोते सोते वो सपनों की दुनिया में खो गया और कल्पनाएं करने लगा कि जब शहर में अकाल पड़ेगा तो सत्तू का दाम 100 रुपए हो जाएगा। मैं सत्तू बेचकर बकरियां खरीद लूंगा, बाद में इन बकरियों को बेचकर गाय खरीदूंगा, इसके बाद भैंस और घोड़े भी खरीदूंगा, इसके बाद घोड़ों को अच्छी कीमत पर बेचकर खूब सारा सोना खरीद लूंगा, फिर सोने को अच्छे दाम पर बेचकर बड़ा सा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी अपनी बेटी से मेरी शादी कर देगा। शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा मैं उसका नाम मंगल रखूंगा। जब बच्चा मुझे परेशान करने लगेगा तो मैं गुस्से में अपनी पत्नी को बोलूंगा, अगर वह घर के काम में व्यस्त होगी और मेरी बात का पालन नहीं करेगी तब मैं गुस्से में उठकर उसके पास जाऊंगा और उसे पैर से ठोकर मारूंगा। ये सारी बात सोचते सोचते ब्राह्मण का पैर ऊपर उठता है और सत्तू से भरे मटके में ठोकर मार देता है, इससे उसका मटका टूट जाता है। इस तरह सत्तू से भरे मटके के साथ ही कंजूस ब्राह्मण का सपना भी चकनाचूर हो जाता है।